तो नमस्कार प्यारे सही श्रेणियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारा अंतिम चैप्टर है जी, कक्षा 10 वर्णिका बुक का जो हमारा हिंदी का है वो अंतिम चैप्टर है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। मेरे बच्चे, इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए। पहला दही वाली मगम्मा, दूसरा ढहता विश्वास, तीसरा माँ, चौथा नगर। चारों चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। सर कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चे, वहां से जाके देख लेना। पहले इसको देखो, इतना शानदार है कि मन यार इतना दिल बाग बाग हो रहा है मेरा पढ़ाने में। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले देखो इसमें होने क्या वाला है। इसमें मैं आपको लेखक परिचय से लेकर के मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा अच्छे ढंग से। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। फिर मैं आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप टेस्ट लगाओगे इसका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाओगे और प्यारे बच्चों, और उससे पहले मैं क्या बताने वाला, हाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई साहब कि इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा, जिससे आपको इसमें इसके लेखक कौन है, उसका जन्म कब हुआ है, अनुवादन किसने किया है, किस भाषा में लिखा गया है, सबको। तो अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें। शुरू करें, शुरू करें, यस कीजिए, आइए मेरे बच्चे। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्रा है मेरे बच्चे, उसका नाम है, इस कहानी की जो मुख्य पात्रा है उसका नाम है जी सीता। आप बोलोगे सर सीता कौन है, कोई लड़की का नाम है, कोई बच्ची का? नहीं मेरे बच्चे, सीता एक बूढ़ी औरत का नाम है। क्या सर? हाँ मेरे बच्चे, एक बूढ़ी औरत का नाम है जिसके 3 बेटे हैं। पेपर में सबसे पहला तो यही ऑब्जेक्टिव आता है कि सीता के कितने बेटे हैं, तो मेरे बच्चे इसके 3 बेटे हैं। ये जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, एक राजस्थानी भाषा की कहानी है और इसको लिखने वाले सावरदैया। ये सब याद करने है ना, कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है ना। और ये उसका जन्मदिन है 1983। और इस कहानी का अनुवादक आप पढ़ते थे पहले कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक B.R. नारायण थे, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था, इसके पहले वाला जो कहानी मैंने पढ़ा था आपको नगर वाला, उसका A. जामुना उसके अनुवादक थे। लेकिन इस कहानी में अनुवादक ये स्वयं है। क्या बोला मैंने? इस कहानी में सावरदैया ने ही इसका हिंदी में अनुवाद किया है। भाषा राजस्थान की है, कहानी राजस्थान की है बच्चों, सॉरी, लेकिन इसका अनुवाद भी किया है सावरदैया ने। तो इसमें एक बूढ़ी औरत होती है जिसके 3 बेटे होते हैं। पहले का नाम कैलाश, नाम याद करना, पेपर में आता है, बड़ा बेटा कैलाश, दूसरा बेटा मंजिला नारायण, और सबसे छोटा बेटा बिरजू। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों की सीते के, है ना, सीता का कितना बेटा था, तो बोलना सर 3। पेंटिंग देखो मेरा, पेंटिंग कितना मस्त है सर, 3 बेटे हैं। उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम बताओ, बड़े बेटे का नाम कैलाश, छोटे बेटे का नाम बताओ बिरजू या बिज्जू, बिरजू या बिज्जू, बिज्जू बिज्जू, मेरे बेटे बिरजू या बिज्जू कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, बिज्जू बिज्जू कह सकते हैं, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा इसकी पत्नी भी है ना, बेटा है तो बहू भी तो होगी ना। तो पहला जो कैलाश है उसकी पत्नी का नाम है राधा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है मेरे बच्चे, राधा। और दूसरा जो है नारायण, नारायण की पत्नी का नाम है भंवरी, क्या नाम बोला मैंने, नारायण की पत्नी का नाम है भंवरी। और तीसरा आप लोग देखोगे बिरजू की पत्नी का नाम है पुष्पा, पेपर में पूछा जाएगा मेरे बच्चे, याद रखना, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे बच्चे हैं यार, पोता पोती सब है इसका, सीता का बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग करते हैं कहानी को, करें जी, चलो। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक मान लो कि आपके गाँव की एक छोटी सी आपका एक गाँव है छोटा सा, जिसका नाम क्या है बच्चों, सीता, ठीक है ना। सीता के 3 बेटे, पहला नाम है जी कैलाश, दूसरा का नाम है नारायण, तीसरा का नाम है बिरजू, या ऐसे बिरजू कहते हैं। पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीता के कितने बेटे थे, आप बोलोगे सर 3 बेटे थे, कौन कौन से, कैलाश और दूसरा नारायण और तीसरा बिरजू। मेरे बच्चे सबसे बड़ा का नाम बोलो कैलाश, सबसे छोटे का नाम बोलो बिरजू। और इसकी पत्नियाँ भी है, कैलाश की पत्नी है जिसका नाम राधा है, नारायण की पत्नी उसके नीचे मैंने बनाया भंवरी है, और बिरजू की पत्नी जिसका नाम पुष्पा है, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे बच्चे हैं, पोते पोती सब भी हैं। तो ये एक भरा पूरा परिवार है, क्या है मेरे बच्चे, एक पूरा परिवार भरा पूरा है। इसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं आपसे, यदि इसके बावजूद भी बात करूं, तो सीता को घर में मन नहीं लगता, सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है, जैसे कि जान चल जाएगा आपके घर में। आप बोलोगे सर इतना बढ़िया घर और ऐसे घुटन क्यों महसूस हो रही है, तो मेरे बच्चे घर अच्छा वही होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करते हो, घर अच्छा वही होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हो, घर अच्छा वही होता है जहाँ पर एक दूसरे के सुख दुख को बांटा जाए।
लेकिन भाई साहब यहाँ की जो सीता है ना, इसके बेटे कैलाश, नारायण, बिरजू, कोई इससे कुछ नहीं पूछता, मम्मी तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है, दवाई है या नहीं है, तबीयत कैसी है, कहीं दर्द तो नहीं है, कोई नहीं पूछता बच्चों। जब जिस घर के बेटे अपनी माँ से पूछना बंद कर दे सवाल, उसका सेहत का ख्याल रखना बंद कर दे, तो आप बहू से क्या उम्मीद कर सकते हो। तो कोई बहू भी इससे नहीं पूछता, माँ तुम कैसी हो, सिर्फ ये कि रोटी ले लो, टाइम हो गया, 9 बज गया, नाश्ता खिला दो, 2 बज गया, खाना खिला दो, रात के 8-9 बज गए, है ना, फिर इसको खाना खिला दो, बस इतना ही काम होता है। बच्चे बस इससे बोलते हैं दादी से। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है, लगता है यार यहाँ पर जीना ठीक नहीं है। अब इसमें क्या होता है, एक दिन क्या होता है इस घर में, एक दिन क्या होता है, कैलाश जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, इसको कभी देखो अभी क्या हो रहा था, अभी तक सीता कभी कैलाश के यहाँ खा रही थी, कभी नारायण के यहाँ खा रही थी, कभी बिरजू के यहाँ खा रही थी। ऐसा होता है बच्चों, आप लोग सोचना, आपके गांव में भी कोई बूढ़ी औरत होगी, या हो सकता है आपके घर में ही कोई बूढ़ी औरत होगी, आपके पिताजी 3-4 भाई होंगे, तो आपकी जो दादी होगी ना, कभी आपके यहाँ खाती होगी, कभी आपके चाचा के यहाँ खाती होगी, कभी आपके बड़े पापा के यहाँ खाती होगी। ऐसा होता ही नहीं होता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसा बिल्कुल होता है बच्चों। तो वैसे सीता करती थी, कभी किसी के यहाँ पर भी खा लेती थी, ठीक है ना, कभी भी किसी के यहाँ जा करके खा लेती थी। अब एक दिन क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब एक दिन क्या होता है, कैलाश कहता है देखिए ऐसे नहीं चलेगा, आप एक दिन इधर खा ले तो उधर खा ले तो ऐसे नहीं चलेगा, एक नियम बनाया जाए। क्या बनाया जाए मेरे बच्चे, एक नियम बनाया जाए कि माँ किसके यहाँ कब खाएगी, एक नियम बनाया जाए कि माँ किसके यहाँ कब खाएगी। बच्चों कितना दुख भरा कहानी है बताओ, एक माँ जिसने इन तीनों बेटों को बचपन में पाल लिया, क्या रे पाला था कि नहीं बोलो, तुमको पाला था कि नहीं पाला था, पाला था ना, ये सबको पाला था बच्चा में, लेकिन ये बच्चा सब क्या कह रहा है कि माँ के लिए एक नियम बनाया जाए। अब इतनी उम्र हो गई इनकी कि माँ के लिए नियम बनाएगा, ये देखो अभी नियम कैसा बनाता है, नियम देखो क्या बनाया, नियम बनाया कि माँ एक एक महीना करके तीनों के यहाँ खाएगी। क्या बनाया नियम, कि माँ एक एक महीना करके तीनों के यहाँ पर खाएगी। कितना घटिया नियम है बताओ। यह सुन करके सीता को ऐसा लगा कि जैसे कि धरती छोटी हो गई है और पूरा आसमान निकट होता जा रहा है, पूरा सिकुड़ गया धरती, ऐसा लगा सुन के। तुम ही सोचो यार, अगर तुम माँ हो गए, तुम्हारे बच्चे ऐसे बात करेंगे, कैसा बुरा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी राजी था, किसी ने नहीं पूछा, कैलाश का ये कहना था और उसको प्यार से नारायण ने मान लिया और प्यार से बिरजू ने भी इसको मान लिया, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया मेरे बच्चे, और किसी ने माँ से भी नहीं पूछा क्या माँ तुम्हें ये फैसला मंजूर है, किसी ने माँ से नहीं पूछा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अच्छा खासा चल रहा था, 4-5 साल गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं, एक महीना इसके यहाँ खाती थी। जैसे ही 29 दिन पूरे होते थे, बोलते थे माँ जी क्या अगले दिन जाने की तैयारी करो दूसरे के यहाँ, कैलाश के यहाँ है तो नारायण के यहाँ जाना है, और नारायण के यहाँ है तो बिरजू के यहाँ जाना है। तो ऐसा ही होता था कि एक महीना जैसे ही पुरने वाला हो तो बच्चे खुश हो जाते थे कि अगले दिन दादी मेरे यहाँ आने वाली है। बच्चों को क्या पता है, खिलाना भी पड़ता है बूढ़ी को, बच्चे होते मन के सच्चे, है ना, बच्चे दौड़ के जाके दादी को कहते थे दादी दादी कल से आप मेरे यहाँ खाओगी, कल से आप मेरी तरफ खाओगे, बच्चे ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होगा कि सीता जो थी ना वो एक खेल देख रही थी, वो कौन सा खेल देख रही थी बच्चों, खेल में क्या होता है, एक खेल होता है जहां पर एक लड़की या लड़का आंख में पट्टी बांध करके सबके पास जाता है और पूछता है ना, ऐसे बोलता है रोटी दे दो, ऐसा एक खेल होता है। तो इस खेल को देख करके, और हर बार इंसान क्या बोलता है कि मेरे पास नहीं आगे जाओ, तो सीता को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में भी तो ऐसा हो रहा है। 29 दिन यार खाओ अपने बड़े बेटे के पास, 30वां दिन चले जाओ फिर नारायण के पास, फिर 29 दिन खाओ नारायण के पास, फिर 30वां दिन चले जाओ बिरजू के पास। तो ये हाल बना के रखा था बेटों ने माँ का, ठीक है जी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, यस बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि ये जो भवरी है ना, इसके बेटे का जन्म था, इसके बेटे का जन्मदिन था, तो उस दिन इन्होंने रसमलाई बनाया था। क्या बनाया था बोलो, क्या बोला मैंने, रसमलाई। एग्जाम में पूछा जाता है कि सीता को रसमलाई लाकर किसने दिया था, तो उसकी
उसकी मंझली बहू, क्या नाम था उसका, भवरी ने, भवरी ने उसे रसमलाई ला करके दिया। और जैसे ही भवरी ने रसमलाई ला करके दिया तो उस समय जो माँ थी वो उस समय कैलाश के घर में थी, यानी कि हम कह सकते हैं उस समय वह राधा के तरफ थी। किसके तरफ थी, बोलो 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 बोलो, राधा के तरफ थी। और राधा के तरफ जब माँ थी और भवरी ने ला के उसे दिया रसमलाई, तो राधा को लग गया गुस्सा कि माँ जब मेरे तरफ है, देखो इसमें नियम इतना खराब कानून बनाया गया था कि माँ अगर मेरे तरफ है तो तुम्हारे तरफ का जल भी नहीं पिएगी, माँ अगर तुम्हारे तरफ है तो मेरे तरफ का जल भी नहीं पी सकती है, चाय तो छोड़ो जल पानी भी नहीं पी सकती है। और उसमें ये बेचारी ने ला के दे दिया उसे रसमलाई। अब सर सोचो क्या हुआ होगा, सर सोचो क्या हुआ होगा, सोचो। तो जैसे रसमलाई ला करके दिया, राधा एकदम इसके ऊपर में बरसने लगी, बरसने लगी कि तूने लाकर दिया क्यों रसमलाई, ज़्यादा पैसे वाली हो गई है, ज़्यादा अमीर हो गई है, अपनी अमीरी मुझे दिखा रही है, जब तुम्हारे इधर माँ थी तो तुमने ऐसे सूखे रोटी खिलाए, और मेरे इधर आई है तो अमीरी दिखाने के लिए इसे रसमलाई खिला लिया, ले जा रसमलाई। अब पता है सीता ने ऐसे एक मतलब एक चम्मच खाया ही था, उसके हाथ से रसमलाई लेकर के चले गई। बताओ ये हो गया था यार, एक इंसान जिसका ये पूरा परिवार है, आप कह सकते हो कि इसी से ये सबका जन्म हुआ, इसी से हुआ, और इसको घर में देखो खाने पर कितना दिक्कत हो रहा है, खाने के कारण कितना दिक्कत हो रहा है। तो इनके बीच में जो इतना झंझट हुआ, एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों कि इसमें एक दिन राधा ने अपनी है ना, राधा ने अपने साथ सीता को है ना, सीता को दाल के हलवे बना के खिलाए थे, क्या बना के, दाल का हलवा बनाकर खिलाया था। जब सीता के नारायण के यहाँ जाने की बारी थी तो उस दिन हलवा बनाकर खिलाया था, बोला माँ जी आज आपका मेरे घर में आखिरी दिन है, आप हलवा खा लो। किसका, बोलो दाल का हलवा खा लो, अगले दिन आपको किसके यहाँ जाना है, नारायण के यहाँ जाना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दाल का हलवा किसने खिलाया था, तो आंसर मारिएगा राधा ने, और पूछेगा कि रसमलाई किसने खिलाया था, भवरी ने खिलाया था बच्चों, भवरी ने खिलाया था। अब क्या हुआ कि यार पता है ना औरत में क्या होता है, भूमि में क्या होता है कि वो अपने मर्द को कहता है, देखो आज घर में ये हुआ जी, घर में ये हुआ जी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है ना। तो यही बोल करके कैलाश की पत्नी राधा ने अपने कैलाश को उकसा दिया कि देखो माँ जी झगड़ा लगाती है चारों तरफ, कभी इसके यहाँ के खाती है, कभी उसके यहाँ खाती है, झगड़ा कराती है, काम कीजिए कोई दूसरा नियम लगाइए। तो कैलाश ने बोला नारायण बिरजू सब इधर दौड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, माँ के लिए नया नियम बनाना है। मेरे बच्चे कहानी में कुछ अलग हो सकता है लेकिन मैं थोड़ा सा मैं उसी तरह से बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब कोई आ गए, बोला देखो ये नियम ठीक नहीं है, मम्मी इसके यहाँ भी खा लेती, इधर उधर खा लेती, अभी भी नियम ठीक नहीं है। तो अब अगला नियम क्या बनाते हैं कि हम सभी मम्मी को 50-50 रुपए देंगे हर महीना, और माँ अलग में खाना बनाएगी। क्या बोला कि तीनों भाई 50-50 रुपए देंगे, यानी 150 रुपए हर महीना देंगे, और 150 रुपए बूढ़ी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, और अलग में खाना बनाकर खाएगी। रोने वाला दृश्य है, एक बूढ़ी माँ जो चल फिरने में ऐसा दिक्कत हो रहा है, और इसको बोला है कि 50-50 रुपए देंगे और ये अकेले खाना बनाएगी। यह सुन करके मेरे बच्चे जब इसने बोला तो नारायण ने बोला चलो ठीक है भैया बढ़िया नियम है, पर बिरजू ने बोला एक बार माँ से तो पूछ लो माँ क्या चाहती है, खाली हम लोग नियम बना रहे हैं, रोज नया नया नियम बन रहा है, माँ से तो पूछो माँ क्या चाहती है, क्या माँ इस फैसले से खुश है या नहीं है। मेरे बच्चे जब माँ की ओर इन भाइयों ने देखा तो माँ का चेहरा बिल्कुल उदास था, माँ इन सभी को देख रही थी और देख देख कर अपने मन ही मन सोच रही थी क्या जीवन है मेरा। यार बूढ़ी औरत जो मतलब बूढ़े लोग जो भी होते हैं ना, अगर आपके घर में खाते हैं तो कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करते होंगे, खास करके महिलाओं की बात करता हूँ। यदि कोई बूढ़ी दादी अगर आपके घर में है, वो अगर खाती होगी तो वह तो है ना, या तो वो बच्चे को गोद में लेके घूमती होगी, बच्चे को मालिश कर देती होगी, घर में कुछ बर्तन धो देती होगी, अगर आपका मम्मी का कभी तबीयत खराब होता होगा तो वो खाना भी बना देती होगी, ये काम बूढ़े लोगों का होता है। इसके बावजूद एक खाना के लिए तुम देख रहे हो, दर दर तीन बेटे होने के बावजूद, तीन बहू होने के बावजूद क्या फैसला लिया गया कि यह खाना अकेले बनाकर खाएगी। जब इसने ये बात सुना तो अपने पति को कोसने लगी, क्योंकि पति इसका जिंदा नहीं था, ये पति को कोसने लगी कि आज अगर मेरे पति होते तो शायद मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता, जैसे मेरे बेटे मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं यह नहीं होता। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे बच्चे, हकीकत में बताओ यदि सीता का पति जीवित होता, तो क्या ऐसा हो सकता था, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों, क्योंकि पति जैसा मतलब कैसा भी हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में, ठीक है बच्चों।
तो अब आगे देखो क्या हुआ। यह सुनकर मेरे बच्चे, यह सुनकर सीता ने सोचा, जब पेट ही मेरा भारी पड़ा है, मेरे बच्चे पेट ही जब भारी पड़ा है पेट ही अगर भारी पर है तो कहीं पर भी मैं कमा करके खा सकती हूँ, किसी के घर में जाकर के थोड़ा सा काम बर्तन बासन कर दूंगी, किसी के बच्चे को खिला दूंगी मैं, तो मुझे खाना मिल जाएगा, तो इस घर में रहकर कोई फायदा नहीं है। तो आप बोलोगे क्या सर, वो घर छोड़ के चले गई? हाँ चले गई। अगले दिन सुबह वह घर छोड़ के चले गई, अपना बिस्तर लेकर के घर छोड़ के चले गई। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि जब घर छोड़ के गई तो धरती बहुत बड़ा है, आसमान सिकुड़ नहीं रहा है बल्कि फैल रहा है, रास्ते छोटे नहीं हो रहे बल्कि बड़े हो रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये पिंजरे से, इस परिवार के मोह माया से, इस बंधन से निकल करके वो घर से चले गई। कहानी सुना आपने, एक औरत जिसके 3 बच्चे 3 बहुएं अनेक पोते पोती, इसके बावजूद अकेले, कोई इससे बात नहीं करता है। खाने के लिए पहले बोला कहीं खा लेना, फिर बोला एक एक महीना करके तीनों के यहाँ खाना, फिर बोला पैसा देंगे तुम अलग में खाना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बेटे ने कितने कितने दिन खाने का प्रस्ताव दिया था, एक एक महीना, बेटे ने कितने कितने रुपए देने का प्रस्ताव दिया, 50-50 रुपए देने का प्रस्ताव। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कहानी में मैंने छोड़ दिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कहानी में छूट गया, उस सबको मैंने यहाँ लिख करके रखा है। अब इसको हम लोग देखते हैं, छूट तो नहीं गया, मैं इंपॉर्टेंट लिख के रखा हूँ कि चाय पिलाने की, देखो चाय पिलाने का क्या था कि चाय कोई भी पिला देता था इसको, कोई भी पिला देता, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में जब अलग नहीं हुआ था लोग, तो चाय कोई भी पिला देता, ज्यादा चाय पिलाता था कैलाश। तो पूछा कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब चाय पिलाता था, तो आंसर मारना कैलाश ज्यादा पिलाता था, ठीक है ना। दूसरा, एक एक महीने रखने का खिलाना, ये वाला तो हो गया टॉपिक हमारा। बच्चों का रोटी वाला खेल मैंने बता दिया था कि बच्चा एक, मतलब आंख में पट्टी बांध के जाता है, रोटी दो तो बोलता है यहाँ नहीं अगले दो घर जाओ, रोटी दो यहाँ नहीं आगे जाओ, रोटी दो यहाँ नहीं आगे जाओ, ये वाला खेल तो बता दिया ना आप लोग को ना। इसको देख करके सीता के मन में क्या हुआ था आप मुझे कमेंट कर देना, यह देख करके सीता के मन में क्या भावना जगी थी ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अभी कमेंट कीजिए, बोलिए मुझसे, कीजिएगा ना, हाँ कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है ना। आगे आगे मेरे बच्चे, फिर पूछेगा 50-50 रुपए देकर अलग खाना बनाना, ये वाला टॉपिक हो गया। कपड़े का ओढ़ने का रंग, मेरे बच्चे कपड़ा का जो इसका ओढ़ने का रंग था मेरे बच्चे वो काला था। पूछा जाता है कि सीता के कपड़े का रंग क्या था, सीता के ओढ़ने का रंग कैसा था बच्चों, तो काला रंग था, शायद वो मतलब नहीं धोने की वजह से हो गया था या फिर काला ही था, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, यानी उसके रंग काला था, है ना। रसमलाई खिलाने का वाला हो गया कि भवरी ने खिलाया था, और घर छोड़कर चले जाने की कहानी भी, ये घर छोड़कर चले गया था। तो ये पूरा कहानी है बच्चों, इसके बाद कुछ नहीं, बस इतनी छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटा सा अंतिम चैप्टर मेरे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी, छोटा सा कहानी, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं चलिए मेरे साथ बनाते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करें। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में, राजस्थानी। इसके लेखक कौन है, सावरदैया। इसका जन्म कब हुआ था, 1983 में। इसके अनुवादक कौन है, सावरदैया। सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे। कितनी बहू थी, अरे 3 बेटे तो 3 बहू होगी ना, है ना। सबसे बड़े बेटे का नाम कैलाश, सबसे छोटे बेटे का नाम बिज्जू या बिरजू, सबसे मझले का नाम नारायण, चलो नारायण, है ना। सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। मेरे पास है ये बुक, प्यारे बच्चों गोधोली का बुक। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे बच्चे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, पहला क्या लिखा है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो आंसर लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि उसके 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोती होने के बावजूद भी कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता है, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता का चरित्र चित्रण करें बहुत अच्छा सा है ना, एक विधवा औरत है जिसके 3 बेटे 3 बहू और कई है ना बच्चे हैं, बस हो गया। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए, धरती कब तक घूमेगी। यार मतलब कहने का मतलब ये है कि धरती जो है मेरे बच्चे, इसमें मतलब कि धरती कब तक घूमेगी, ये हमारा कहानी का क्या लिखा है, शीर्षक लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस धरती पर जो है ना अनेक अनेक टाइप के लोग हैं। देखो यार ये कैसे कैसे लोग हैं, तो इसका नाम रखा है धरती कब तक घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीता के लिए लगता है यार धरती मतलब घूम रही है, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अगला लिखा है बच्चों की कहानी का सारांश, तो जो कहानी मैंने सुनाया आपको उसी कहानी को छोटे करके लिख देना, सारांश कहलाता है। अब आप बोलोगे सर इस कहानी इससे कौन सा क्वेश्चन आता है, मेरे बच्चे इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन आता है, सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होता है। दूसरा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है, आज तक मैंने आते हुए नहीं देखा है। तो मेरे बच्चे बस आपको इससे अच्छे से तैयारी कर लेना है। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो होगा हमारा टेस्ट, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो कि थोड़ी देर के बाद होगा, आप लोग देख लीजिए। पहले इसका ट्रिक देख लीजिए, इसको याद कैसे करना है। तो मेरे बच्चे सबसे बेस्ट यही है, इस कहानी का पूरा बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं।
मेरे बच्चे इस कहानी का बेस्ट तरीका है कि इसका ट्रिक बताइए मेरे बच्चे, ट्रिक। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे धरती कब तक घूमेगी तो आप लोग बोलिएगा साल भर। कब तक घूमेगी बोलिए, एक दिन दो दिन नहीं, साल भर। साल भर से याद रखना है, इसके लेखक है सावरदैया, सावरदैया, दैया रे दैया, क्या नाम है, सावरदैया। नाम क्या बच्चों, सावरदैया। और जब धरती घूमेगी बच्चों, धरती जब घूमेगी तो लोग क्या करेंगे बोलो, लोग क्या करेंगे, लोग राज करेंगे। आप चले जाओगे मेरे घर पर, आज घूमेगी तो देखो ऐसे घूम रहा है, तो आप यार उछल पुछल के मेरे घर आ जाओगे, मेरे घर में कुछ खा पी लोगे, मैं फिर चले जाऊंगा दूसरे के घर, तुम्हारे घर, हाँ तुम्हारे घर, वहां जाकर कुछ खा लूंगा। यार जब धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे, राज करेंगे इसका मतलब ये राजस्थानी कहानी है। कैसी है बच्चों, राजस्थानी कहानी है। राज करेंगे इसका मतलब ये राजस्थानी कहानी है। अब जन्मदिन कैसे रखें मेरे बच्चे, तो जब प्यारे बच्चों जब धरती घूम रहा था, जब धरती घूम रहा था ऐसे ऐसे उसी समय प्यारे बच्चों, उसी समय मेरे घर के बाहर में एक आ गया बेग, है ना, बेग सीने वाला, बेग होता है ना बेग, जिस पर आप लोग पढ़ने जाते हो, बेग सीने वाला एक आ गया, ठीक है ना, और बोलता है बेग सिला लो, बेग सिला लो। तो मैंने मतलब मैं धरती घूम रहा है और वो बोल रहा है बेग सिला लो, बेग सिला लो। तो मैंने बोला बच्चों यहाँ पर कोई बेग नहीं सिलाएगा, धरती घूम रही है, तू अपना सी। क्या बोला, तू अपना सी, कोई सिलाने वाला नहीं है। क्या बोला, तू अपना सी। मैंने बोला मेरे बच्चे तू अपना सी मतलब कि तेरा सी। क्या बोला मैंने, तेरा सी, तेरा सी बच्चों, यानी कि तू अपना अपना सी, कोई यहाँ सिलाने वाला नहीं। धरती घूम रही है, बोलता है बेग सिला लो, बेग सिला लो मेरे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, तेरासी। क्या बोला, तेरासी। तेरासी का मतलब होता है बच्चों तेरासी, यानी 1983 हंसना मत तुम लोग, 1983 में इसका जन्म हुआ था, तेरासी, यानी 1983 में इसका जन्म हुआ था सावरदैया का, ठीक है बच्चों। अब अनुवादक में याद रख रहे हैं ना, इसका अनुवाद किसने किया था मेरे बच्चे, तो अनुवाद करने वाले की मैं अगर आपसे बात करूं तो अनुवाद में क्या हुआ था कि जा रहे थे सावरदैया, धरती घूम रही है ऐसे ऐसे, और जाके बोल रहे ये हमारा राजस्थानी भाषा है, इसको हिंदी में अनुवाद कर दो, हिंदी में अनुवाद कर दो, हिंदी में अनुवाद कर दो। कोई बोला यार धरती घूम रही, तुमको अनुवाद सूझा है पगला कहीं का, कोई अनुवाद नहीं करेगा। तो फिर सावरदैया ने इसका अनुवाद अपने से ही कर दिया, धरती घूम रही थी, कोई अनुवाद नहीं करेगा, जब मेरे बच्चे कोई अनुवाद नहीं करेगा तो इसे अपने आप ही अनुवाद करना पड़ा। इसलिए अगर इसे अगर आपसे इससे अगर आ जाए इससे क्वेश्चन की धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो नाम होगा सावरदैया, यानी फिर से इसे सावरदैया ने ही इसे अनुवाद किया था, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग धरती घूम रहे थे तो सब लोग घूम रहे थे। तो आपको याद हो गया बच्चों, एग्जाम में पूछेगा धरती कब तक घूमे, कौन है, बोलेंगे कि धरती साल भर घूमेगी, इसके लेखक हैं सावरदैया। पूछेगा कि धरती घूमेगी, है ना, धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है, तो धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे, हम उसके घर घुसेंगे, वो मेरा घर घुसेगा, यानी ये राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक सावरदैया का जन्म, सावरदैया, धरती घूमती थी तो मेरे घर पर बेग सिलाने वाला एक आया था, मैंने उसे बोला था 83 मतलब 1983। अगर पूछेगा पहले बच्चों इसका अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद कोई नहीं किया था, धरती घूम रहा था, तो सावरदैया ने ही किया था। ये चार क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक से आपको याद करवाने में बहुत मैं मदद किया हूँ मेरे बच्चे। अब जाइए इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाकर के उसका टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है ना, और अच्छे से और बढ़िया से। प्लेलिस्ट में मेरे बच्चों ये आज हमारा वर्णिका बुक खत्म हुआ, सबको नमस्कार जी, बढ़िया से पढ़ लीजिए, सब प्लेलिस्ट नीचे में दिया गया है, बढ़िया से पढ़ लीजिए मेरे बच्चे, से 20 नंबर फिक्स है, 20 नंबर आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर मेरे बच्चों फिक्स है, और इसको पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटा लेगा, 3-4 घंटा में पूरा बुक खत्म, आपको 20 से 25 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब हिंदी बुक कल से स्टार्ट होगा मेरे बच्चे, कल से हमारी वीडियोस अपलोड होगी, श्रम विभाजन जाति प्रथा अपलोड होगा, ठीक है ना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे वो लाल बटन का अति लाल रंग का दिया हुआ सब्सक्राइब, पहले उसको दबा लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी आप लोग दबा लीजिए, वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो देखिए पहले बच्चों कर्ज रह जाएगा आपके ऊपर में, पहले वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बोलिए वो भी देख लेगा, नंबर उठाएगा, ठीक है ना। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, आपको लगता है हम अच्छा पढ़ाते हैं, 7700879453 पर कॉल कीजिए, 150 रुपये में हम आपको पेड व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ के रखेंगे और हम आपको नोट्स देंगे, मात्र 150 में, पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, मात्र 150 रुपये में। तुरंत कॉल कीजिए इस नंबर पर, अगर मैं अभी नहीं उठा पाऊंगा तो बाद में जरूर उठाऊंगा मेरे बच्चे। कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको बढ़िया से मजे से पढ़िए, जय हिंद, जाइए नीचे देखिए टेस्ट को।